कैसे आप सी में लैंड हो गए तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मैंने सबसे पहला काम किया टेलीविजन पे पाउडर उसमें okay. मैं एक एंटी नार्कोटिक्स था दूसरा काम हुआ खोटे सिक्के यशराज दोनों पाउडर में सह कलाकार था खोटे सिक्के में लीड रोल में मिला उसमें भी मैं था सीनियर इंस्पेक्टर पहले मैं था सीनियर इंस्पेक्टर जगदाले इसमें था सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख उसके बाद कॉप के रोल्स बड़े आने लगे तो मैं मना कर देता था यार वही स्टैंडर्ड और टीवी पे तो ऐसे ही एक कुछ महीने बीत गए मैं कोई काम कर नहीं रहा था कुछ ऐसे ही डायलॉग कोचिंग डिक्शन कोचिंग कर रहा था तो एक फोन आया नया प्रोडक्शन हाउस खुला है दे वॉन्ट यू नो यू एज अ कॉप ये वो लेकिन एक ऑडिशन देना है हुँ. तो मैं मना करने वाला था मेरी पत्नी ने कहा अभी घर पे ही बैठना है क्या कर लो ऐसा क्या मतलब तो मैंने बोला ठीक है करते हैं ये सी आई डी की बातें हम सी पे पहुंचेंगे पर पहुँचेंगे तो मैंने बोला ठीक है मैंने पूछा जो कास्टिंग से फ़ोन आया था मैंने बोला कि अच्छा कुछ ब्रीफ देंगे कैसा कॉप है तो जैसा कि चलता है जो हमारे उसमें उन्होंने कहा आप ये समझ लीजिए दबंग का सलमान खान वाह तो मैंने बोला अच्छा ये तो चुलबुल पांडे वाला एटीट्यूड तो सबसे पहले मैं सीधा सा आदमी मेरे पास कोई गॉगल्स वॉगज थे नहीं <laughs> तो मैं मैं पहले वो एविएटर्स जो सुनहरे फ्रेम और काला वो वाला अंधेरी स्टेशन गया कि ऑडिशन के लिए ले रहा हूँ सस्ता सॉरी तो मैं अंधेरी स्टेशन गया मैंने वो चश्मे खरीदे फिर मैं गया प्रोडक्शन हाउस ऑफिस वहाँ पर क्रिएटिव्स होती हैं तो एक महिला थी क्रिएटिव अच्छा यू कम यू नो ना कि व्हाट वी आर लुकिंग एट वी आर लुकिंग एट नाना पार्टी के फ्रॉम अब तक छप्पन अच्छा मैंने सोचा ओके ठीक है <laughs> 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 तो स्क्रिप्ट uh, मिली काफ़ी सिंपल uh, सी थी यूजुअली टेलीविजन स्क्रिप्ट जो होते हैं ऑडिशन स्क्रिप्ट वो आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं अपना कैरेक्टर एक तरह से hmm. सुना रहे होते हैं वैसा ही कुछ था और तब तक थोड़ी आदत लग गई थी तो पाँच दस मिनट में तैयार हो गया मैं गया फिर रूम में कैमरा के सामने ऑडिशन देने के लिए कोई आ, असिस्टेंट थे तो जैसे ही मैं शुरू करने वाला था अरे एक मिनट एक मिनट आपको पता है ना क्या करना है हुँ. तो मैंने बोला हाँ क्या सरफरोश का आमिर खान <laughs> <laughs> मैंने बोला डेढ़ घंटे के अंदर मुझे ये तीन ब्रीफ्स मिल गए और मैंने कुछ महीने पहले <laughs> खोटे सिक्के का दामोदर देशमुख किया था मैं वही कराया वही क्या जो मेरी समझ में आया मैं वो कराया अगले दिन मुझे फोन भी आ गया बड़ा अच्छा ऑडिशन था दे वॉन्ट यू मैं, मैंने पूर्वक मना भी कर दिया क्लैरिटी नहीं तो तो ये था खैर फिर कुछ और दिन बीते कुछ महीने तो सीआईडी से फोन आया हम लोग गाड़ी से कहीं से लौट रहे थे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके रात में जब फोन आया कि कल मिलना चाहते हैं और जब आप थोड़ा सा काम वाम करने लगे सक्सेसफुल क्या कहूँ तो जब वो आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं ना तो वो थोड़ा सा झेप के वैसे बोलेंगे लोग कि थोड़ा सा एक सर कैमरे के सामने कुछ ऐसे करके छोड़ देंगे स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही आपको देखना चाहते हैं कैमरे पे तो ठीक है तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि मैं सी का व्यूअर नहीं था ओके मैं नहीं देखता था सी मैं टेलीविजन व्यूअर नहीं था मैंने सिर्फ पाउडर और खोटे सिक्के देखी थी जिसमें मैंने काम किया था बस नहीं था मैं मुझे नहीं पसंद आते थे टीवी के शोज़ पर सीआईडी सीआईडी इतना बड़ा शो है और मेरी पत्नी ने बहुत देखा है अच्छा। और तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया कि अरे पत्नी ने बोला किसका फ़ोन था किसका फ़ोन था मैं सी आई डी से आया तो अरे तुम ऐसे मतलब उदास हो के क्यों चिड़के क्यों बोल रहे हो सी से फ़ोन आया यार तो मैंने बोला हाँ तो क्या हो गया अरे नहीं नहीं यू मस्ट डू इट ये वो फैमिली से भी प्रेशर आया कि अरे सी आई डी सी आई डी तो मुझे लगा यारी ठीक है मैं अगले दिन गया उन्हें पसंद आया तो मीटिंग हुई हो गया पर मुझे टाइम मिला डिसाइड करने के लिए मैंने एक महीना लिया तो उसमें दो चीज़ें थोड़ी सी uh, काम आई एक तो कोर्स घर वालों का था कि कर लो मैंने भी कुछ टाइम से कैमरा फेस नहीं किया था तो कर लो uh, और फिर uh, एक अभिजीत सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत आदित्य श्रीवास्तव वो मेरे आदर्श हैं अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खैन मनोज बाजपेयी सम्भड़िया रियली अप टू इज आदित्य श्रीवास्तव तो और वो कई लोग कहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई लगता भी हूँ हाँ, हाँ, बल्कि जब मुझे लिया गया था तो कुछ उनके उनके जानकारों ने फोन किया रिश्तेदारों ने नहीं कि क्या हो अपना छोटा भाई को अब काम दिला दिया <laughs> <था इस लोड़ी। laughs> तो बोला अरे नहीं यार वो एक्टर है <laughs> तो आ, मैं ये जानना चाहता था कि वो आदमी इतना अच्छा एक्टर है <laughs> सत्या में इतना बढ़िया किया था वो अभी तक सी क्यों कर रहा है तो मैंने गूगल किया तो फिर मैंने एक इंटरव्यू देखा भी आ, पढ़ा भी हुँ. जिसमें था कि ऑफकोर्स उन्होंने बात कर रखी थी कि सबकी अपनी जर्नी है और वो क्यों कर रहे हैं और दूसरा क्योंकि पाउडर और खोटे सिक्के दोनों सोनी पे आए थे और सी भी सोनी पे था तो मैं एक दो लोगों को एग्जैक्टिव को जानता था तो वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने उदयन है उदयन प्रदीप शुक्ला उन्होंने कहा कि विकास ट्रस्ट में यू वंट रिग्रेट इट इट्स अ क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कुछ तो बुम या पता नहीं कुछ तो ऐसा कि बहुत तगड़ा शो है करो तो फिर किया और ऑफकोर्स uh, एक सर्टन uh, ग्रामर है सी आई डी का जैसे कि पूरी टी वी का है वो थोड़ा सा चाबी वाली एक्टिंग होती हुँ। है थोड़ी सी हुँ। थोड़ा लाउड होता है तो uh, और मैं थोड़ा रियलिस्टिक स्पेस से जा रहा था यशराज से पाउडर और कोटे सिक्के करके तो uh, कुछ एक बीच का मैंने निकाला कि वो लोग भी खुश रहें कुछ मेरी सेंसिबिलिटीज भी थोड़ा मुझे परेशान ना करें और अच्छा रहा वो सीनियर इंस्पेक्टर रजत मैं ये भी लकी था कि जितने दिन मैं था वहाँ पे साल डेढ़ साल कुछ बहुत ही अच्छी कहानियाँ उस समय सी की बनी हुँ. और मुझे अच्छे अच्छे मौके मिले कुछ तीन ऑफिसर सेंट्रिक एपिसोड भी मिल गए जो कि कम होता है तो बढ़िया था एक बहुत ही अच्छी टीम थी हुँ. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं सी के अलावा और द बेस्ट फंक्शनिंग वेल ऑयल्ड मशीनरी जैसे कहते हैं ना प्रोडक्शन वाइज सी आई डी इज़ टॉप नॉच कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी हमने लीड कास्ट को इतना सॉर्टेड था वो प्रोडक्शन वरना टेलीविजन में कई बार वो हो जाता है तो रजत का किरदार पहुंच रहा था लोगों लो तक पहुंच रहा था वो आ, आ, तक उसके आ, तो मैसेजेस आते होंगे नहीं बो, आते हैं अभी भी मैं कहीं जाता हूं बाहर ही यहीं पर बाहर ही जब मैं एंट्री ले रहा था आपके ऑफिस में तो वो पहचान गए फिर वो देखने भी लगे सी रजत उन्होंने गूगल किया फिर यहाँ भी बाहर कहीं किसी ने तो जिसने काला पानी नहीं देखी वो आर्या से आर्या नहीं सी रजत और किसी भी छोटे शहर जाते हैं तो रजत सबसे ज़्यादा वो नाम है जिससे मैं पहचाना जाता हूँ टी का आपका कैसा ये एक्सपीरियंस रहा पूरा टी वी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लुक प्रधान एक एक सर्टन ढर्रा बन गया है कुछ तो बन गया है मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे नहीं। पर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि हर दूसरा आदमी एक दूसरे का भाई है मतलब वो ना आप पहचान नहीं पाते आपको लगता है कि हाँ ये भी वैसा ही दिखता है वो भी वैसा ही दिखता है, वो स्टाइलिंग वो वो पूरा डीन डीन से लेके हाँ सब कुछ आ, वो है एक टाइम था जब जब मैंने ये सब काम कर लिया उससे पहले मेरा मन था कि मैं भी मुझे ना एक हार्ड कॉर पारिवारिक यू नो इमोशंस वाला या हस्बैंड वाइफ वाला रूम वैसा काम मिले जो मुझे मिला नहीं जो मुझे तब मिलने लगा जब मैंने कुछ और चीजें कर ली जब मेरे पास इतना वक्त नहीं था मुझे नहीं मैं नहीं डेडिकेट कर सकता कि अगले तीन साल मैं एक शो करते रहूँ और आ, हर दिन जाऊँ यही पर आ, उसी टेलीविजन में बदलाव आया था या कोशिश की गई थी यशराज से आ, दस साल पहले ग्यारह साल पहले वही पाउडर खोटे सिक्के जब थोड़ी रियलिस्टिक कास्टिंग होती थी और आ, मुझ जैसे को मुझ जैसे को इसलिए बोल रहा हूँ खोटे सिक्के में क्योंकि खोटे सिक्के एक क्राइम शो था तो हम कुछ छः सात लोग परमानेंट कास्ट थे मैं लीड था पांच और थे और एक और थे और बदल बदल के केसेस होते थे तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ नए लोग आते थे और वो बड़ा अचंभित और मैं ऐसी टी शर्ट शॉर्ट्स में घूम रहा होता था जब तक कॉस्ट्यूम बनाऊँ तो बोलते थे, थे आपको लीड लिया है यशराज ने आपको लीड ले लिया है ठीक <laughs> है वो चाहे दुबला पतला काला सांवला जो कहिए वैसे तो हाँ ये भी है वो भी टीवी ही था उस समय अब यही है कि टीवी की रीच बहुत ज़्यादा है बहुत अभी है। भी, भी अगर मैं गांव की बात करूं, बिहार शरीफ की बात करूं, दे वुड लव टू सी मी ऑन टीवी। मतलब इतना तक कि इश्किया कर ली थी एज अ डायलॉग कोच और भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ये नसीर साहब का डायलॉग कोच रह चुका है विद्या बालन आदिल हुसैन ये सब उन्हें था कि अरे तुम पर्दा पर कब दिखोगे और उन्हें छोटा सा कहीं दिख जाए उसमें वो लें उसको रिकॉर्ड कर लें ऐसा तो हाँ टी के रीच को तो आप डिनाई नहीं कर सकते और ये जो एक तरीके के सर्टेन रोल्स आपको मिलने लगे इंस्पेक्टर के मतलब लगातार मिल रहे हैं कहीं एसीपी बन रहे हैं कहीं सीनियर इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो ये किस तरीके का है? मतलब टाइप कास्ट हो जाना एक सर्टेन रोल में ये एज एन एक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या कोशिशें आप कर रहे हैं नहीं मैं कोई ऐसी अभी तो निकाल बस ना कहते रहते तो यही कोशिश है Uh, uh, मैं इससे परेशान नहीं होता हूँ आई थिंक ये बड़ा आसान तरीका uh, रास्ता चुन लेते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स mm. कि uh, किसी को देख लिया है एक कैरेक्टर को निभाते हुए ढंग से mm. तो कोर्स आसान तो हो ही जाता है कि mm. इन्हीं को बुला लो। बल्कि mm. मैंने इतना तक पाया है किसी ने कहा था कि मेरी uh, खोटे सिक्के की फोटो कहीं लगी हुई थी एज रेफरेंस okay. ये चाहिए कॉप में oh. ठीक है मुझे नहीं बुलाया था ऐसे ही आर्या की रेफरेंस कहीं थी तो इतना तक है और आते हैं आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आ, उस कॉप की अपनी कोई जर्नी हो hmm. उसमें या प्रोसीजरल के अलावा कुछ hmm. और भी कर रहा हो सिर्फ पूछताछ या रेड के अलावा कुछ और भी हो उस रोल में या फिर एक ही सीन हो लेकिन कुछ ऐसा हो जो जो मैंने कभी किया नहीं हो बेसिकली hmm. वही ना वेन इट कम्स टू यू यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मैं कर hmm. पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा एंड देन यू पुश योर सेल्फ कि एज अ चैलेंज कि चलो करते हैं और Hmm. तो वो अगर हो तो ठीक है uh, मैं परेशान नहीं होता कहीं ज्यादा पैसा है डायलॉग कोचिंग hmm. से लेकिन डायलॉग कोचिंग uh, मैं पैशनेट भी हूँ hmm. uh, मुझे लगता है मैं अच्छा कर भी लेता हूँ hmm. और मेरा क्वेश्चन भी है वो मुझे एनेबल hmm. करता है कि मैं एक्टिंग में चुन पाऊ hmm. तो मना मना कर सकूँ काला पानी एक ऐसा शो आया है जो उस चीज़ को तोड़ता है ऑफकोर्स वो तो hmm. एकदम ही अलग है आर्या का कॉप में एंजॉय करता हूँ बहुत लेयर्स hmm. हैं उसमें इमोशंस hmm. uh, हैं uh, सुष्मिता सेन के साथ बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत लेवल्स पे आप परफॉर्म कर रहे हो hmm. आर्या जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके साथ फिर उसका एक अपनी पर्सनल रिलेशनशिप दिखाई गई है जो अलग है uh, तो मतलब अगर जर्नी है तब प्र, प्रॉब्लम नहीं है हा, अगर कुछ अच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है मैं मैं टाइप कास्टिंग से डरता नहीं हूँ और ना मैं परेशान होता हूँ कुछ भी आता है uh, मेरे पास मेरा पहला इंस्टिंक्ट नो नो है आई डोंट अच्छा है कि नहीं है सही है कि नहीं uh, मुझे लगता है यार ये कुछ ही होगा गाला तो तो पानी जब आई थी मेरे पास तो नो नहीं था तब तो मैं ग्रैप करना चाहता था क्योंकि जो दो ऑडिशन सीन्स आए थे वो बहुत तगड़े थे जो मेकर्स हैं इन्होंने टीवीएफ में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है समीर ने अमित गुलानी ने विश्वपति सरकार ने था यार, इनके, इनके साथ तो काम करना है और दो ऑडिशन सीन से ही पता चल गया कि यार ये कैरेक्टर तो कुछ है हुँ. और शो भी कुछ बनेगा तो हाँ पर अक्सर मेरा पहला नो ही होता है एंड थैंकफुली अब तक गलत नहीं हुआ है <laughs> जो भी मैंने फिर बनते देखा है मुझे को, और कोई गलत हो भी गया तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होगा आई मीन यू ओनली यू चूज़ वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू उस समय जो आपको समझ में आता है इंस्टिंगटिवली जैसा मैंने कहा आपके पेट में अगर कुछ होता है वो बटरफ्लाइज फ्लटर करते हैं तो फिर यू गो अहेड एंड टेक इट